नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से भर्ती निकली है, अप्रेंटिस की भर्ती है ये। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान की तरफ से ये भर्ती है, अप्रेंटिस की भर्ती है। दोस्तों 7 जुलाई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपके सामने। ट्रेड वाइज हम चेक करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 10 जुलाई से इसके स्टार्ट हो चुके हैं। ट्रेड वाइज चेक कर लेते हैं दोस्तों। नंबर एक पे जो ट्रेड है उसका नाम है मेट माइंस। टोटल जो ट्रेनिंग रहेगी वो 3 साल की, टोटल सीट है 60। कैटेगरी वाइज डिटेल चेक कर सकते हैं, जनरल 24, एससी की 10 है, एसटी 8, ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 6 सीट हैं। जिन्होंने मेट्रिक क्लास पास किया है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेट माइंस के लिए। आपने ध्यान रखना है दोस्तों, 3 साल की ट्रेनिंग रहेगी, सिर्फ मेट्रिक पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 60 सीट हैं। नंबर दो पे है, उसका नाम है ब्लास्टर माइंस। जो कैंडिडेट आईटीआई पास कर चुके हैं या जो कैंडिडेट आईटीआई अभी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप पास कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। अगर आपने पास नहीं किया है तो आप अगर वीडियो पूरा ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि जब भी भर्ती निकलती है अप्रेंटिस की, कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। तो नंबर दो पे जो पोस्ट है उसका नाम है ब्लास्टर माइंस। 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी अप्रेंटिस की, टोटल 100 सीट हैं। ये कैटेगरी वाइज डिटेल आप चेक कर सकते हैं। कंडीशन सेम है दोस्तों, इसमें भी मैट्रिक क्लास पास कैंडिडेट होना चाहिए। अब उसके बाद जो पोस्ट है, यहाँ से सीरियल नंबर 3 से लेकर 12 तक जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें आईटीआई पास होना चाहिए ट्रेड वाइज। यहाँ पे हम डिटेल में इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने क्लियर मेंशन किया है यहाँ पे कि मैट्रिक क्लास पास होना चाहिए आपके पास में, साथ में जिन्होंने आईटीआई पास किया है एनसीवीटी से वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर मेंशन है, आईटीआई पास्ड इन द कंसर्न ट्रेड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी, तो एनसीवीटी से आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नंबर 3 पे जो पोस्ट है यहाँ पे, उसका नाम है डीजल मैकेनिक। ये है डीजल मैकेनिक वालों के लिए, 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, टोटल 10 सीट हैं। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है फीटर, टोटल 1 साल की ट्रेनिंग है दोस्तों, 30 पोस्ट हैं। टर्नर की 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, 5 पोस्ट हैं। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 1 साल की ट्रेनिंग, टोटल 25 पोस्ट हैं। नंबर 7 पे है इलेक्ट्रीशियन, टोटल मिला के 40 पोस्ट हैं दोस्तों। कैटेगरी वाइज डिटेल आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, टोटल 6 पोस्ट हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 2 पोस्ट हैं, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 1 साल की ट्रेनिंग, टोटल 5 पोस्ट हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा के लिए 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, टोटल 2 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि टोटल पोस्ट जो है 290 हैं। ये दो प्रकार की भर्ती है आपके सामने, एक तो वो कैंडिडेट जिन्होंने मैट्रिक क्लास पास किया है दोस्तों, और एक वो कैंडिडेट जिन्होंने मैट्रिक क्लास के साथ आईटीआई पास भी किया है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी जो कैंडिडेट आईटीआई में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आईटीआई पास नहीं किया है, वो मैट्रिक क्लास कि जो भर्ती है उसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपको दिखा देते हैं, स्टार्टिंग की जो दो ट्रेड हैं यहाँ पे, एक तो मेट माइंस की और एक ब्लास्टर माइंस की, इन दो पोस्ट के लिए भी मैट्रिक क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई में अभी कोर्स कर रहे हैं तो मैट्रिक क्लास तो आपने पास किया ही है, तो आप इस दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आईटीआई जो पास किया है वो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ एक टर्म एंड कंडीशंस आपके सामने हैं, चेक कर लेते हैं। एक तो कंडीशन दोस्तों ये है कि आईटीआई आपने पास किया है, वो सीरियल नंबर 3 से लेकर सीरियल नंबर 12 तक आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी का, और सीरियल नंबर 1 से लेकर 2 तक आप सिर्फ मैट्रिक क्लास पास होना चाहिए, आपको बताया जा चुका है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 3 पे, जिन्होंने आईटीआई किया है 2017 से, मेंशन है यहाँ पे क्लियर, दी कैंडिडेट हु हैव पास्ड आईटीआई प्रायोर टू द ईयर 2017, 2017 से जिन्होंने आईटीआई पहले पास किया है, जिन्होंने 2017 साल से पहले आईटीआई पास किया है, उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा दोस्तों। एफिडेविट में आपने लिखाना पड़ेगा कि आपने कहीं से भी कोई अप्रेंटिस की ट्रेनिंग नहीं ली है, और साथ में कहीं पर भी आप रोजगार नहीं कर रहे हैं, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है, अगर किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है, बीई किया है, तो उन्हें अलग से कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने बीए, बीएससी या बीकॉम किया है तो उन्हें भी कोई एडिशनल वेटेज नहीं दिया जाएगा, ये तो अच्छी बात है। यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं क्लास और आईटीआई की जो कंडीशन है दोस्तों वो रखी गई है।
तो ट्रेनिंग का जो अप्रेंटिस के ट्रेनिंग का टाइम आपको बताया जा चुका है, इसमें 1 साल की भी है, 2 की भी, 3 भी है कैटेगरी वाइज, ऊपर बताया जा चुका है। स्टाइफंड कितना मिलेगा, जो भी रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। यहाँ पे अमाउंट इन्होंने बताया कि कितना अमाउंट रहेगा। सेलेक्शन का मेथड बिल्कुल सिंपल है, प्योर मेट्रिक बेस पे मेरिट बनेगी दोस्तों, और ITI बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। जो भर्ती ITI की, जो भर्ती मैट्रिक पास के लिए है, उसके लिए 100% मैट्रिक बेस की मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और जो ITI के लिए है उसमें 70% वेटेज रहेगा मैट्रिक क्लास के नंबरों का, और 30% वेटेज रहेगा ITI पास के नंबरों का। तो यानी कि प्योर मैट्रिक और ITI पास के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए शॉर्ट लिस्ट होगा, किसी प्रकार का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है इन्होंने बताया है दोस्तों, कई बार बताया जा चुका है आपको, जितने भी वीडियो हैं उनमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है apprenticeship.government.in, इस पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, और उसके बाद आपने दोस्तों कंपनी को सिलेक्ट करना है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसको आपने सिलेक्ट करना है, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने बताया है कि hindustancopper.com, इस साइट पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है, किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, ध्यान से आपने इसको पढ़ना है, फिर आपने इसमें अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आपको दोबारा एक बार फिर बता देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट 10 जुलाई से हो चुके हैं, जो कट ऑफ डेट है वो भी 10 जुलाई से ही कैलकुलेट की जाएगी, और लास्ट डेट इसकी रहेगी 25 जुलाई, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट लगेगी दोस्तों वो लगेगी आपकी 10 अगस्त को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आपके सामने, तो अगर इसमें आपकी ट्रेड है तो आप ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों। ये है लेटेस्ट अपडेट ITI के कैंडिडेट्स के लिए। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो ITI वगैरह के जितने भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक के, तो आप सभी में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें, ताकि अगली बार जब भी अप्रेंटिस की भर्ती निकले, या जब भी ITI वालों के लिए कोई भी भर्ती निकले किसी भी डिपार्टमेंट में, रेलवे इत्यादि में या रोडवेज में, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जा सके। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।